अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम रशियन सैलेड बनाएंगे, बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही सिंपल सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, सारी सब्जियां मैंने काट ली हैं इस तरह छोटे छोटे पीस में, और इसको अब हम दो दो तीन तीन मिनट के लिए ब्लांच कर लेंगे। खौलते पानी में डाल के देखें, 3 से 4 मिनट के लिए मैंने डाले। इतना पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे कि इसको बस ये टूटे नहीं बिल्कुल भी बस, लेकिन कच्चे भी ना रहे इस तरह से। और इसको हम चिल्ड वाटर में डालते जाएंगे सारी की सारी, ताकि इनका कुकिंग का प्रोसेस जो है वो बंद हो जाए। ये देखिए, ठंडे पानी में मैं डालती जा रही हूँ इस तरह। अभी हम मटर डाल देंगे इसके अंदर, हमने गाजर डाली है, आलू डाले हैं, इसी तरह से कर ये तीनों चीज़ें। और इसके बाद ये मैंने सेब काट के और इसको सिरके के मैं थोड़े से डिप करके रख लिए थे, और ये मिक्स फ्रूट थोड़े से लिए हैं, किशमिश लिए मैंने। अब ये सारी चीज़ें हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें हमने बॉईल करके, अब ये मायोनीज लिए मैंने 1/2 कप, बल्कि 1/2 कप से ज़्यादा ही है ये, थोड़ी इसको हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और ये क्रीम लिए मैंने तकरीबन 4 to 5 tablespoons इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। शुगर ऐड कर रही हूँ 1 tablespoon, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और काली मिर्च ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत मज़े की लगती हैं। दावत हो इसको आप रखें, वैसे भी बनाएं खाएं, इसको बहुत ही टेस्टी लगती है ये सैलेड। बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है, लेकिन मज़े की लगती है बहुत। देखें, अब इसके अंदर मैं एप्पल डाल रही हूँ, मैंने पानी पसा दिया उसका। इसको सिरके के पानी में आप डिप करके रख दें तो एप्पल जो है कलर ख़राब नहीं होता है उनका। मटर ऐड कर रही हूँ उसके अंदर मैं, इसी तरह बारी बारी सारी सब्जियाँ हम ऐड कर देंगे, गाजर, आलू, किशमिश, सारी चीज़ें हमने इसको ऐड करके मिक्स कर दी हैं। हमारी रशियन सैलेड बिल्कुल तैयार है। इसको आप इसी तरह भी खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। बाकी ये कि सैलेड बार के साथ बनाएं और इसको रखें, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 minutes वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।